हेलो, वेलकम बैक टू डीके कुकिंग्स। ये है पालक, मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था। इसमें से मैंने थोड़ा सा पालक लिया, अच्छे से धोया, सुखाया और कट किया। रैंडमली से मैंने थोड़ा कट किया, और धनिया पत्ता, 3 हरी मिर्च और 10-12 लहसुन, ये सारे चीज अभी एक साइड में रखेंगे। अभी नेक्स्ट जो भी चाहिए इसके बारे में अभी बोल रही हूँ, ये है मशरूम। ये सारे धोने का सबसे पहले, उसके बाद मशरूम, कॉलीफ्लावर, बीन्स और कैरेट छीन लिया, और ये है टमाटो, और ये एक मीडियम साइज प्याज है, उसको मैंने लंबा लंबा कट किया। अभी मिक्सी में हमने धनिया, पालक, हरी मिर्च और लहसुन डाल के पीसेंगे। इसमें चाहिए तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं आप, पीसने का एकदम बारीक पेस्ट। देखिए इसे एकदम फाइन पेस्ट हो गया। अभी मैंने एक गैस जलाया और उसके ऊपर एक पैन रखा, तेल डाला, मूंगफली का तेल है, उसमें मैं थोड़ा सा दालचीनी और लौंग डाला, 4 लौंग और 1 छोटा सा दालचीनी का पेस्ट डाला, और उसमें मैंने प्याज कट करके रखा था ना, मैंने वो डाला। अभी इसको अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। इसे थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा घी डालने के बाद एरो अच्छे से आ जाता है। ये वेज राइस बनाएंगे हम। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, अगर आपके पास बना के रखा है तो डाल दीजिए, नहीं तो अदरक लहसुन नहीं तो भी डाल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वो ग्रीन मसाला में पूरा डाला है, अदरक नहीं डाला था उसमें। इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, होने के बाद अभी हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैंने डाला कैरेट, थोड़ा सा भूनेंगे इसमें, एक साथ भी डाल सकते हैं, मैंने सेपरेटली क्यों डाला, मतलब थोड़ा अरोमा आ जाता है भूनने। मशरूम पहले मत डालिए, मशरूम डालेगा तो क्या हो जाता है, पानी छूट जाता है उसमें, अगर नमक वगैरह हमने डाला तो। इसके लिए मैं पूरा भूनने के बाद लास्ट में मशरूम ऐड, और ये सारे वेजिटेबल एक जैसा बॉयल होता है, कुक होता है, सेपरेटली कुक करने का जरूरी नहीं है। अभी नमक डाला मैंने, अच्छे से मिलाया, ये 1-2 मिनट के लिए मैं ढक्कन डाल के रखू। 2 मिनट कवर करने के बाद भी मैं अपना ये वेजिटेबल अच्छे से पका नहीं, मैंने अभी क्या किया, इसमें टमाटो कट करते हैं, एक टमाटो वो डाला। हम अभी तक पानी ऐड नहीं किया, इसको पानी में नहीं उबालने का, पानी में उबाला तो उसको क्या हो जाता है, टेस्ट नहीं आता है वो। ये हरी मसाला हमने इसके रखा था ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और ऐड कीजिए, थोड़ा सा मतलब 100 ml, 150 ml तक आप डाल सकते हैं, उसी में ये पूरा वेजिटेबल्स अभी बॉईल कर। अभी पकाएंगे करीब 5 मिनट तक, पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और अच्छे से कुक हो जाता है। कुक मतलब पूरा, हमको एकदम कुक नहीं करने का, 80-90% तक कुक करना। ऐसे एक बार वेज राइस बनाइए, क्योंकि ले आपको सबको मालूम है वेजिटेबल्स कितना हेल्दी रहता है, पालक कई लोग नहीं खाते हैं, इसे बनाया तो पालक भी अपना पेट में जाता है। अभी मैंने ऑलरेडी बॉइल करके, दैट मीन्स कुक करके रखा हुआ चावल है, करीब 3 लोगों के लिए मैंने कुक किया था, 150 ग्राम्स का चावल अच्छे से धो के कुक करके सेपरेटली रखा था, वो अभी ये वेजिटेबल्स बॉइल हो गए ना, उसके बाद इसमें ऐड करें। नमक का कंटेंट आपको कितना चाहिए आप देख लीजिए, अगर ऐड करने का है तो अभी आप ऐड कर सकते हैं।
देखिए राइस कौन सा भी चलेगा, बासमती या डेली यूज के लिए आप यूज करते हैं वही चावल, मैं वही चावल यूज करती हूँ। अभी इसमें मिलाएंगे, बहुत बढ़िया सा खुशबू आ रहा है कि आप दोपहर में या नाइट डिनर के लिए भी ऐसे यूज कर सकते हैं। कोई मेहमान आए, फटाफट बनाने का, वेजिटेबल्स तो रहता ही है, या लंच बॉक्स में ऑफिस लेके जाते हैं बना के दे सकते हैं। इसको 1-2 मिनट के बाद मैंने ओपन किया, ये देखिए बहुत बढ़िया सा, अच्छा से मिलाएंगे अभी सर्व करेंगे, है ना। इसको मैं रायता बनाया था, टोमेटो प्याज और थोड़ा सा बूंदी डाल के, दही डाल के रायता बनाया, रायता के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जरूर बनाइए।